सो फाइनली अब मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए अश्विनी खंड, और सौरभ मेरा वेट कर रहा है पार्किंग में, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि यार लड़कियां बहुत टाइम लगाती है तैयार होने के लिए। तो अब हम लोग जाने वाले हैं आज अश्विनी खंड, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत आगे आ गए हैं, लेकिन शुरू से शुरुआत करते हैं कि सुबह हमारी कैसी हुई है। तो चले वेलकम टू द चेस्टर हिल्स, द ओनली गेटेड सोसाइटी ऑफ सोलन। यहाँ आपको मिलेंगे वर्ल्ड क्लास अपार्टमेंट्स, और यही नहीं, हमारे अपार्टमेंट्स सेंट्रली लोकेटेड है, तो यहाँ से बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, स्कूल, मार्केट सब आसपास ही है, तो फैसिलिटीज की कोई कमी नहीं। एंड स्पीकिंग ऑफ फैसिलिटी, आपकी खुद की सिक्योरिटी वाली पार्किंग भी होगी, तो जिए अब टेंशन फ्री। तो अगर आपको भी चेस्टर हिल्स में अपने अपार्टमेंट की बुकिंग करनी है तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अरे अरे भाई साहब, मैं तो बातों में भूल ही गया कि आज हम बहुत ही ब्यूटीफुल जगह जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड हमारी अमेजिंग मॉर्निंग के साथ। अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आज की जो मेरी मॉर्निंग थी बहुत अमेजिंग थी। आज जब मैं उठा तो सबसे पहले मैंने अपनी बालकनी की तरफ रुख मोड़ा, वहाँ पहुँचा और इतने प्यारे नज़ारे से रूबरू हुआ। अब सुबह उठकर ठंडी ठंडी हवाएं, चिड़ियों की आवाज़ें और पहाड़ और पेड़ों का दृश्य मिल जाए तो आपको और क्या चाहिए। ये सारे नज़ारे आपके दिन की शुरुआत बहुत अमेजिंग तरीके से करते हैं। एंड थैंक्स टू चेस्टर हिल्स, जिनकी वजह से हमें एक ऐसा अपार्टमेंट मिला जहाँ का व्यू, वातावरण बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। एंड जब भी हम अपार्टमेंट लेने की बात करते हैं तो व्यू तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कर रहा हूँ ना सही बात? यार सॉरी, प्लीज प्रेस कर दे, आज मैं ये बैठ कर रही सो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोगों की तैयारी कहाँ की हो रही है। तो आज हम लोग जाने वाले हैं अश्विनी खंड और हिडन वाटरफॉल, जो कि सौरभ ने ढूंढ के निकाला है। किसी से यहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जगहें हैं जो हम लोग जा सकते हैं। तो अभी हम लोग लेकर जाने वाले हैं आपको उन जगहों पर। तैयार हो जाओ, बातें ना करते रहना। तो अभी हम लोग तैयार होते हैं, दिखाते हैं आपको कि हम लोग कैसे लग रहे हैं। जल्दी जल्दी। तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि आज की मॉर्निंग हमारी कैसी गई है। तो चलिए आज का सफर शुरू करते हैं। तो चलिए आज का सफरनामा शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सफरनामा है हमारे स्टूडियो अपार्टमेंट से शुरू होता है और हमेशा की तरह सोलन की गलियों से होते हुए गुजरता है। तो आज जहां हम जा रहे हैं उसका नाम है हेरिटेज पार्क सोलन, और यही नहीं, उसके साथ एक हिडन लोकेशन में लेकर जाएंगे जो शायद आपने देखी नहीं होगी और ना ही पता होगा कि सोलन में ऐसी ब्यूटीफुल जगह भी है। तो आज हम जहां जा रहे हैं उसके लिए आपको शिमला के लिए जो हाईवे जाता है मेन, उसे पकड़ लेना है तो आप कहीं भटकेंगे भी नहीं। ये रोड देखकर जैसे यहां पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये तो समझ आ गया है कि आने वाले टाइम में यहां से आने जाना और कहीं को भी घूमना बहुत ईजी होने वाला है। तो अभी आपके पास राइट टाइम है कि चेस्टर हिल्स में अपार्टमेंट ले लें। खैर अभी आपको नीचे वाला रोड पकड़ना है इस मेन रास्ते से, और ये जो रास्ता है आपको लेकर जाएगा अश्विनी खट की ओर, जहाँ पे हमारा मंदिर है। ये जो मंदिर है बहुत ही भव्य है और बहुत ही अमेजिंग है। तो कहा जाता है कि अगर आप सोलन आए और यहाँ ना आए तो यार खाक सोलन आए। तो हमने भी सोचा सोलन आएंगे तो यहाँ डेफिनेटली जाएंगे, और सिर्फ अकेले नहीं, आप सबको भी लेकर जाएंगे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं हेरिटेज पार्क अश्विनी खंड में, और दिखाएंगे आप लोगों को कि अंदर जो मंदिर है वो कितना ज़्यादा खूबसूरत है। एंड आई एम श्योर कि आपने ऐसी मूर्तियां कहीं नहीं देखी होगी जैसी कि यहाँ सोलन में है। सीरियसली एंड आई एग्री विद दीपिका, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुना है हमने इसके बारे में, एंड अब इतना सुना है तो देखेंगे भी इसको और आपको भी दिखाएंगे, है ना दीपिका? तो ये है हमारा मेन द्वार हेरिटेज पार्क की तरफ जाने के लिए। तो हमने भी ये द्वार पकड़ लिया और सीधे सीधे आगे बढ़ते रहे। अब हमने सोचा कि यहाँ से कहाँ जाए, तो भाई साहब टेंशन की कोई बात नहीं है, यहाँ का जो स्टाफ है वो आपको गाइड करता रहता है कि कहाँ पार्किंग है और किस तरफ को जाना है। COVID-19 के भी सारे सोल्यूशन है, सैनिटाइजर और टेम्परेचर रेगुलरली चेक होता है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिरकार इस भव्य मंदिर की शुरुआत हमने कैसे करी। So,
अब हम लोग पहुंच चुके हैं हेरिटेज पार्क के अंदर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कैंटीन है, आप लोग खा सकते हैं अगर आपको भूख लगी है तो। हम लोगों को तो भूख लगी है तो हम खाएंगे, लेकिन पहले हम लोग मंदिर जाकर आएंगे। और ये यहाँ का एरिया है जहाँ पर आप अपना टू व्हीलर लगा सकते हैं। अगर आप फोर व्हीलर लेकर आए हैं तो आपको वो पार्किंग भी हम लोग दिखाते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो गाइज फाइनली हम लोग मेन एंट्री पे है जहाँ से अब हम अंदर जाएंगे। एंड अगर आप हमारे पीछे देख सकते हैं तो यहाँ पे फोर व्हीलर की पार्किंग होती है। तो चलिए अब अपना सफर आगे का शुरू करते हैं। अब इस भव्य मंदिर की जो रचना है बहुत ही अमेजिंग तरीके से की गई है, यानी कि हर एक चीज को बहुत ध्यान से, बहुत समझ कर और बहुत प्लानिंग के साथ बनाया है। एंड इसे घूमने का, इसे जानने का एक मौका हमें जो चेस्टर हिल्स द्वारा मिला है उसके लिए हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल है, क्योंकि यहाँ हमें बहुत मज़ा आया है। वैसे अगर यहाँ की लैंडस्केपिंग की बात करी जाए तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे और फूल आपको मिल जाते हैं। यानी कि भगवान ने पूरा का पूरा ध्यान रखा है हमारा, सो दैट जब भी हम उनकी आराधना में आए तो हमें कोई भी और किसी प्रकार की भी कमी ना हो। हमने भी इस नज़ारों का मज़ा लिया। ये जो फूल, ये जो प्लांट्स यहाँ लगे हैं बहुत पॉजिटिव आपको कर देते हैं। अब क्या होता है, आप ज़िंदगी की दौड़ भाग में बहुत परेशान हो जाते हैं, फिर आपका मन करता है आप कहीं बैठे दो पल के लिए और ज़िंदगी के बारे में सोचे, जैसा कि हमने यहाँ पे किया। और ऊपर से इतनी शानदार लोकेशन में थे तो मज़ा ही आ गया। पर ज़्यादा देर यहाँ बैठ नहीं सकते क्योंकि हमें आपको आगे भी तो दिखाना है, वरना कहीं हम अपने में ही ना गुम हो जाएं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं इस भव्य मंदिर के नज़ारे और लेते हैं भगवान का आशीर्वाद। सो गाइस फाइनली आप हमारे पीछे देख सकते हो कि हम मंदिर पहुंच चुके हैं। एंड बहुत ही अमेजिंग है, बहुत सुंदर है। जिस हिसाब से हरे परे फूल पत्ती और ये पेड़ लगे ना यार, अलग ही वाइब है यार, कितना अमेजिंग है ना दीपिका। हाँ, और यहाँ पर फूल तोड़ना मना है। हमने नहीं तोड़े हैं फूल ना, यहाँ पे सिगरेट बीड़ी और ऐसी चीज़ें अलाउड है, वो तो किसी भी मंदिर में नहीं होती है। तो आप भी ऐसी ट्राई मत करिएगा, क्योंकि आजकल न्यूज़ में काफ़ी आता है कि हिमाचल में आके लोग ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं। सो वी वांट कि आप सभी सभ्य लोगों की तरह आएँ और इन्जॉय करें यहाँ की ब्यूटी को, है ना दीपिका। बिल्कुल। और अब हम दिखाते हैं आपको कि मंदिर अंदर से कितना ज़्यादा खूबसूरत है, जो बाहर से इतना खूबसूरत है अंदर से कैसा दिखने वाला है। यस, तो चलो चलते हैं। तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। अब हम कुछ ही क्षणों में मेन मंदिर पहुंच जाएंगे, जो हम आपको दिखाना भी चाहते हैं और खुद भी देखना चाहते हैं। ये मंदिर कहा जाता है बहुत टाइम लिया गया इसे बनाने के लिए और बहुत अरसों से इसका काम चल रहा था। अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बन रही है और बनाई जा रही है, सो दैट इसे परफेक्शन की तरफ लेकर जाया जाए और ये हिमाचल का एक अजूबा बनकर बाहर आए। जो कि अभी से हम एग्री करते हैं कि डेफिनेटली ये एक अजूबा है हिमाचल का। तो अगर आप सोलन आते हैं, चेस्टर हिल्स रुकते हैं, तो ये जगह तो आपके लिए एकदम परफेक्ट होने वाली है। तो हम तो थैंक यू करते हैं चेस्टर हिल्स का ये मौका हमें देने के लिए। सो फाइनली गाइस आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि हम लोग हेरिटेज पार्क पहुंच चुके हैं, जो कि इतना भव्य मंदिर है ना जिसका कुछ कह ही नहीं सकते। इतना ब्यूटीफुल, इतना सुंदर, इतना अमेजिंग, है ना दीपिका। बिल्कुल, अगर आप हमारे पीछे देख सकते हैं तो देख सकते हैं कितना विशाल है ये मंदिर और हर एक चीज बहुत ही बारीकी से और बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर बनाई गई है। सीरियसली मुझे तो काफी मजा आ रहा है, जिस हिसाब से स्पेस यूज किया है, जिस हिसाब से यहाँ पे लैंडस्केपिंग हुई है, इट्स जस्ट टू गुड यार। अगर आप यहाँ पे आते हैं ना, मन को बहुत शांति मिलता है। आपको कैसा फील हुआ, मतलब जब आपने देखा ये? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाकी अब हम मंदिर के अंदर लेकर चलते हैं आपको कि मंदिर अंदर से कैसा दिखता है। हाँ, वैसे तो हम आपको कोशिश करेंगे जितना हो सके दिखा सके, पर अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, पर जहाँ तक अलाउड है हम आपको डेफिनेटली दिखाएंगे। तो खुद भी इसको इंजॉय करेंगे, आपको भी इंजॉय करेंगे, सो दैट अगली बार जब आप आ रहे हैं ना सोलन, तो आपको पता होगा कि कहाँ आना है। तो चलिए चलते हैं। तो जैसे जैसे हम इस मंदिर की ओर बढ़ते गए, अपने आप को भगवान के आगे छोटा सा महसूस करने लग गए। और होता ही है यार, वो ऊपर वाला है, उसे सब पता है हमारे बारे में।
कैसे ये दुनिया चलती है और कैसे इस दुनिया को बनाया गया है। और ऐसी जगहों पे आकर, इतने ब्यूटीफुल से मंदिर में आकर, बहुत ही ज़्यादा ज्ञान होता है ज़िंदगी का। और ऊपर से अगर इतना ब्रिलियंट कोई मंदिर हो और इतना अमेजिंग मंदिर हो, तब तो ऐसा लगता है कि यार सच में भगवान है और ज़रूर है, और उस पर अगर हमारा विश्वास है तो वो हमारी हर मुश्किल को सॉल्व कर देगा। बस इसी थॉट के साथ हम भी आगे बढ़ते गए और आपको भी साथ लेते चलते हैं। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ की जो मूर्तियाँ बहुत अमेजिंग है ना दीपिका? हाँ, हर चीज बहुत ही बारीकी से बनाई गई है और हर एक मूर्ति बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, जो हमारी हिस्ट्री है वो चीज एक्सप्लेन करती है। सीरियसली, चलो अभी ऐसी और भी एक्साइटिंग चीजें जो आपको दिखाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं जूता घर, वहाँ पे अपने जूते उतारते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं, सो दैट आपको ये भव्य सा मंदिर हम दिखा सके। लेकिन सबसे पहले, किसी भी मंदिर में जाने से पहले अपने हाथ पांव धो लीजिए, क्योंकि भगवान से मिलना है यार, है ना? तो हमने भी यही किया, हाथ धोए, पानी पिया और साफ होकर आगे बढ़ गए। और रास्ते में हमें शिव भगवान के दर्शन भी हो गए। ये मूर्तियाँ यहाँ की बड़ी ब्रिलियंट है, तो मूर्तियों को देखते हुए हमने सीढ़ियों की तरफ प्रस्थान किया और धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलते रहे। तो रास्ते में जो इन्होंने मूर्तियाँ लगाई है, वहाँ पे अलग अलग ट्रेडिशन, रिचुअल्स और अपने धर्म के बारे में हमें नॉलेज मिली। शायद हम सब ये सारी चीज़ें भूलते जा रहे हैं, लेकिन इस मंदिर ने ये सारे ट्रेडिशन संभाल कर रखे हैं। तो हम यहाँ से आगे आगे बढ़ते गए। तो जैसे ही हम सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुँचे, हमें साक्षात भगवान कृष्ण के दर्शन हो गए। और उसके बाद जो हमारा ये सफ़र था, बहुत अमेजिंग हो गया। फिर हमने सोचा कि आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको अंदर तो नहीं ले जा पाएंगे, वहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि यहाँ पे आप खुद आएंगे और खुद इन नज़ारों को देखेंगे, तभी आपको शांति मिलेगी, जैसे हमें शनि मंदिर में मिली, जहाँ पे हमने भगवान शनि देव से ये मांगा कि वो हमेशा हमारी रक्षा करें और कभी भी हमारा शनि भारी ना हो। और आई थिंक शनि देव ने हमारी बात सुनी होगी, तभी तो इतना अच्छा गया था हमारा उस दिन शनिवार। तो फिर हमने आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ने का सोचा। तो भगवान शनि देव के बाद हम पहुंचे नरसिंह भगवान के दर्शन करने के लिए, जहाँ पे हमें सारी बचपन की कहानियाँ याद आ गई, जो कभी हमें नानी और दादी सुनाया करती थी भगवान नरसिंह के अवतार के बारे में। तो उसके फिर हमने भगवान शिव के दर्शन किए और आगे बढ़ गए उन्हीं के एक अवतार की ओर, यानी कि भगवान हनुमान जी के पास, जहाँ पे हमने और खासकर मैंने बहुत सारी दुआएं मांगी कि ये जो मेरा पतला सा शरीर है मोटा हो जाए और मैं भी उनकी तरह बलशाली बन जाऊँ। और उसके बाद हम आगे बढ़ गए, जहाँ पे एक बहुत सुंदर शिवलिंग का हमें दर्शन हुआ। ये देख सकते हैं आप कि शिव जी भगवान की मूर्ति जो है वो उस साइड है, लेकिन जो शिवलिंग है हाँ वो इस साइड है, लेकिन ये बीच में मैच कर रहे हैं ना, एकदम सेंटर में। हाँ, कितनी थॉट्स गई होगी ना इसके पीछे। जैसे कि आपको हमने इतनी देर से दिखाया है कि यहाँ पे कितनी अच्छी म्यूजिक है, कितनी अच्छी वाइब्रेशन है, और बहुत ज़्यादा जो काम है ना बहुत डिटेलिंग में किया है। वी आर वेरी हैप्पी कि हम लोग यहाँ आए और ये ज़्यादा दूर नहीं था चेस्ट हिल से, सो वी आर वेरी ब्लेस्ड टू बी हियर, है ना? तो मैं वही सेम लाइन फिर से दोहराऊंगा और कहूँगा कि चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हम वापसी की ओर चल पड़े, क्योंकि अब आपको एक और लोकेशन भी हमने ले जानी है। ये जो लोकेशन है आपको बहुत पसंद आएगी और आप तो इसे देखने के बाद डेफिनेटली प्लान बना लेंगे कि अब तो भैया चेस्टर हिल्स ही आना है। खैर, हमने दोबारा से वो सीढ़ियाँ उतरी और धीरे धीरे पार्किंग की तरफ चल पड़े,
क्योंकि वहां से हमें आपको ले जाना है हमारी नेक्स्ट लोकेशन की ओर। तो आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। सो फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी पार्किंग में और अब हम लोग जाने वाले हैं अश्विनी खंड और दिखाने वाले हैं आपको कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक वाटरफॉल है वहाँ पर, जो कि हमने फोटोज में ही देखा है, तो आज हम लोग रियल में भी देखने वाले हैं उसको। और ये बिल्कुल नेचर के बीचों बीच है। अगर आप भी इन सब चीज़ों का मजा लेना चाहते हैं तो हमारा पूरा ब्लॉग जरूर देखें। तो उसके बाद हम आगे बढ़ गए और जा रहे हैं अपनी नई लोकेशन की तरफ। ये जो लोकेशन है ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, हार्डली आपको 1 किलोमीटर लगेंगे, और अगर टाइम की बात करें तो आपको हार्डली 5 से 6 मिनट लगेंगे हमारे इस नेक्स्ट लोकेशन की तरफ पहुंचने के लिए। तो अगर आप इस मंदिर तक पहुंचते हैं तो आई वांट कि आप आगे भी आएं, क्योंकि यहाँ के जो नज़ारे हैं नेक्स्ट लेवल है भैया। फिर मत कहिएगा कि दीपिका और सौरभ ने आपको इस लोकेशन के बारे में नहीं बताया है। तो आपने नीचे की तरफ आना है और उसके बाद एक पुल क्रॉस करना है और डेफिनेटली उसके बाद तो आप पहुंच जाएंगे हमारी नेक्स्ट लोकेशन पर। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं उस वाटरफॉल में जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। और ये वाटरफॉल कैसा दिखता है अब हम आपको बताने वाले हैं, तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सॉरी, मैं भी सीरियसली मुझे नहीं पता था कि सोलन में वाटरफॉल भी है, एंड आज हम यहाँ आए हैं तो उसे एक्सप्लोर करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो इसके बाद हम बढ़ चुके अपने वाटरफॉल की तरफ। तो ये जो वाटरफॉल है यहाँ से आपको ज़्यादा दूर नहीं है, मंदिर से भी कितना पास है, और जब आप इस रास्ते पे चलेंगे तो हार्डली आप 3 मिनट के अंदर इस वाटरफॉल के पास पहुँच जाएंगे। ये वाटरफॉल बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अमेजिंग है। और मैंने कहीं पर पढ़ा था कि जब भी आप पानी के पास आते हैं, पानी की आवाज़ सुनते हैं, तो ज़िंदगी में जितनी भी उलझनें होती है, परेशानियाँ होती है, सब दूर भाग जाती है। एंड सबसे अच्छी बात तो ये है कि आजकल हम सभी परेशान हैं, सबके सब यही सोचते हैं कि एक पल का चैन कहाँ। तो अब आपको पता है वो चैन आपको मिलेगा वाटरफॉल के पास, वाटर की आवाज़ से, जैसा कि हम दोनों को मिला। काफ़ी देर हम लोग वहाँ बैठे, बहुत सारी गप्पे मारी, फिर चुप हो गए और इस आवाज़ को सुनते रहे। ये पानी के चलने की आवाज़, ये चिड़ियाएँ सुबह सुबह, ये अमेजिंग सा व्यू और इतनी सारी शांति। जीवन में जितनी भी परेशानियाँ हो, जितनी भी टेंशन हो, लेकिन एक पल के लिए जब आप नेचर के साथ मिलते हैं ना, तो आप अलग लेवल पे शांत हो जाते हैं। एंड थैंक्स टू चेस्टर हिल्स कि उसके पास इतनी सारी लोकेशंस हैं जहाँ आकर आप प्रकृति से मिल जाएंगे और जितनी भी परेशानियाँ हैं, दुख हैं, दर्द है, वो सब आप भूल जाएंगे। तो अगर आप आते हैं चेस्टर हिल्स तो आपको पता है कौन सी वो जगह होगी जहाँ पे आपकी सारी परेशानियाँ गायब हो जाएगी। तो चलिए अभी तो वापस चलते हैं। सो फाइनली आप लोगों ने देख लिया है कि ये वाटरफॉल कैसा दिखता है, बहुत ही अमेजिंग प्लेस है एंड हमें भी बहुत ज्यादा मजा आ गया। तो चलिए अब वापस चलते हैं अपने स्टूडियो अपार्टमेंट्स की ओर। ये जो रास्ता है आप कहेंगे ये तो वो रास्ता है ही नहीं जिससे हम यहाँ पहुंचे थे, पर भैया अश्विनी खंड पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। एक जो हाईवे वाला रास्ता है जो शिमला से जाता है और वहाँ पे आपको बीच में कटना पड़ता है, और एक ये जो सोलन के ही बीच से आता है, यानी कि एक छोटा सा रास्ता जहाँ पे इतनी अमेजिंग लोकेशन है जहाँ आप वापस पहुँच जाएंगे। तो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मैं हूँ दीपिका और आप लोग सोच रहे होंगे कि सौरभ कहाँ है। तो सौरभ रेस्ट कर रहा है क्योंकि अश्विनी खंड जाकर वो थक गया है। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि यहाँ का इवनिंग व्यू कैसा है, तो आइए। वैसे तो मैं और सौरभ डेली आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, आज थोड़ा सा वो थका हुआ है इसलिए नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ की ब्यूटी, कितना ज़्यादा खूबसूरत है चेस्टर हिल्स। तो जिसने भी बनाया है ना यार, बहुत ही क्रिएटिव है वो। तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि साथ ही हमारे फ्लैट्स हैं, तो ज़्यादा दूर भी नहीं आना होता आपको इवनिंग वॉक करने के लिए। और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये जगह, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, आपको यहाँ पर आना ही चाहिए। मैं तो आपको स्पेशली रिकमेंड करूँगी आपको ये जगह। तो अब मैं मिलूँगी आपसे
अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कमेंट शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। वाओ, कितना अमेजिंग ये अपार्टमेंट है। और अगर आपको वर्ल्ड के बेस्ट स्टूडियो अपार्टमेंट्स चाहिए तो यार चेस्टर हिल्स से बेटर और कुछ भी नहीं। यहाँ की जो क्वालिटी है, फर्निशिंग है और यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो वर्ल्ड क्लास लेवल का है। तो आपका स्टूडियो अपार्टमेंट आपके लिए बेस्ट प्लेस बन जाएगा रहने के लिए। तो अगर आप भी सपना लेते हैं हिल्स में एक बहुत ही शानदार लाइफ जीने का, देन चूज़ चेस्टर हिल्स।